कि X100 में स्क्रीन शॉट किस किस तरह से लेते हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस फोन में थ्री फिंगर से डाउन करने पर नॉर्मल स्क्रीन शॉट आ जाता है और बहुत सारे फीचर स्क्रीन शॉट से रिलेटेड इस फोन में आपको मिल जाएंगे जो कि आज इस वीडियो में आप जानोगे। तो नॉर्मल स्क्रीन शॉट तो आप इस तरह से ले ही सकते हो जो कि थ्री फिंगर से आपको डाउन करने पर मिल जाता है। अगर लॉन्ग स्क्रीन शॉट चाहिए तो सिंपली एक नॉर्मल स्क्रीन शॉट को क्लिक करने के बाद लॉन्ग स्क्रीन शॉट पर क्लिक कर दीजिए। लॉन्ग स्क्रीन शॉट एरिया होगी तो अपने आप लॉन्ग स्क्रीन शॉट ये बन जाएगा। यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको लॉन्ग स्क्रीन शॉट मिल जाएगा। कंट्रोल पैनल को इस तरह से ओपन कराने पर आपको यहाँ पर एक एस कैप्चर का फीचर दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। फनी स्क्रीन शॉट दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। अब आपको अलग अलग तरह के स्क्रीन शॉट बनाने के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डूडल स्क्रीन शॉट। इस पर आप स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन के एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहीं पर जाइए, इस पर क्लिक कीजिए। अब जिस एरिया का स्क्रीन शॉट चाहिए वो आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ही आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे एस कैप्चर में ही फनी स्क्रीन शॉट पर क्लिक करने के बाद, जैसे कि लैसो स्क्रीन शॉट। आप एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से जिस एरिया का स्क्रीन शॉट चाहिए, ये भी फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको एक और फीचर मिल जाएगा, आप इमोजी टाइप के स्क्रीन शॉट बना सकते हो फनी स्क्रीन शॉट पर जाने के बाद। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, अब डिफरेंट यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे आपको फीचर देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस तरह से भी इस फोन में स्क्रीन शॉट को बना सकते हो। तो काफ़ी डिफरेंट फीचर्स फोन में स्क्रीन शॉट से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे।